ये अनुपम शोभा देख देख बन जाए अयोध्या।
भूमि में रघुकुल भूषण राम लखन दायिनी और है लखन दायिनी और है सोहत सियदि शिवा निज निज रुचि अनुसार सब लाए भूषण जी लाए भूषण जी प्रेम भेंट अब दे दगे प्रेम भेंट अब दे दगे लखन सियदि लखन सियदि मंथरा माता जी कहाँ हैं? महारानी कैकेयी लो वो पधारी राम लक्ष्मण सीता जब देखो तो तीनों साथ जुग जुग जियो मेरे लाडले महारानी जी महाराज पधारते हैं महारानी जी महाराज पधारते हैं ब्राह्मण प्रतिपालो जय तु जय तु महाराज दशरथ जय तु जय तु महाराज दशरथ जय तु जय तु महाराज दशरथ महाराज दशरथ सालगिरह के ऐसे लाखों दिन परमात्मा हमें दिखाए महाराज की जय हो के देश के युवराज युधाजित पधारे हैं भैया आ गए चलो सुमंत हम चल के उनका स्वागत करें देवी हम जाते हैं लो बेटा मामा भी आ गए बड़ी खुशी हुई मुझे न जाने भैया तेरे लिए क्या क्या भेंट लाए होंगे भाई लेकिन अभी तक बड़ी में नहीं आई कौन महारानी कौशल्या वो न आई तो न सही मेरा राम तो आ गए वो कैसे आती हूँ सौते भी माँ जो ठहरो मंथरा महारानी कौशल्या पधारी हैं चिरंजीव बेटा तुम क्या लाई हो माँ बेटा तेरी मनचाही चीज मनचाही चीज मेरी मनचाही चीज मेरे राम की मूर्ति नहीं भी तो क्या काट का पुतला मेरे राम मां तुमने ही मेरे दिल को पहचाना मेरी मनचाही चीज
महाराज, मेरे लाडले भरत का पिछला साल तो बड़े सुख चैन से बीता। अब कृपा करके बताइए कि अगला साल कैसा जाएगा। क्या पूछना है महारानी जी, आखिर राजकुमार की कुंडली है तो भी पिछले साल से ये साल जरा नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं। दसवें यानी पिता के स्थान में कुछ पर उसकी शांति करने से सब ठीक हो जाएगा। तो शांति जल्दी ही कीजिए ना महाराज, जिससे मेरे भरत को कोई दुख ना हो। महारानी जी की जय हो। मंथरा, ओ क्या लाए हो मंथरा? कुछ नहीं महारानी जी, सीता देवी के लिए ये वलकल। वलकल सीता के लिए? आज ऐसे आनंद का दिन, ये तुमने क्या सोचा मंत्रा? आनंद के दिन किसी को मनचाही चीज देना कोई बुरी बात है महारानी जी? सीता देवी को ये पसंद था इसलिए मैं ले आई। बहुत अभी नादान है, लेकिन तुम नहीं समझते। जाओ ले जाओ। जो आज्ञा। सुनो मंत्रा। आज्ञा महारानी जी। देखो कैकेयी दीदी से कह देना कि ज्योतिषी जी ने भरत का वर्षफल निकाला है, कुछ ग्रह शांति की जरूरत थी उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। जी लेकिन तुम वहां गई ही क्यों? मैं तो सीता देवी को छोड़ने गई थी, सोचा महारानी कौशल्या को प्रणाम करती चलो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उन्हें साउथ के दासी का प्रणाम भी नागवार होगा। आखिर हुआ क्या? वही जो कैकेयी और उनके दास दासियों के साथ हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन बात क्या है, कुछ कहोगी भी? क्या कहूँ, मैंने प्रणाम किया तो उल्टा
मुझे डांटने लगी और कहने लगी, खबरदार अगर कैकेयी की किसी दासी ने मेरे महल में कदम रखा तो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सो तो भगवान जाने। हाँ, इतना तो मैं जानती हूँ कि जब मैं वहां गई तब वो मेरे भरत की कुंडली सामने रख के ज्योतिषी जी से कुछ खुसुर पुसुर कर रही थी। भरत की कुंडली क्यों दिखा रही थी? अरे भला सौत की लड़की की कुंडली सौत किस लिए दिखाया करती है? होगा, जो करेगा वो भरेगा। भगवान मेरे भरत को सदा सुखी रखे। नहीं नहीं, कौशल्या दीदी मेरे भरत के लिए ऐसा कभी नहीं सोचेंगी। कभी नहीं सोचेंगी? बड़ी भोली हो तुम। अगर ऐसा ही होता तो वो अपने लड़की की मूर्ति मेरे भरत को क्यों भेज देती? तो उसमें क्या बिगड़ गया? गोया कुछ समझती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बेटे से अपने बेटे की पूजा करवा के तुम पर भी अपना रोब जमाना चाहती है। समझी। तो फिर देर काहे की? जाओ और मूर्ति वापस कर दो। वापस कर देंगे? मेरे डान की मूर्ति वापस कर देंगे? नहीं नहीं, उसे मेरे पास ही रहने दीजिए माँ। क्या करोगे तुम उसे? पूजा करूंगा। देखा भरत, मैं नहीं चाहती कि वो मूर्ति तुम्हारे पास रहे। आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरे राम को मुझसे क्यों छीन रही हो माँ? नहीं बेटा, राम से मुझे कोई दुश्मनी नहीं। जैसे तुम वैसे मेरा राम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कौशल्या देवी हमें दुनिया की नजर में नीचा गिराने की कोशिश करें। हाँ कुमार जी, आप श्री राम के भाई हैं, सेवक नहीं। चुप बेहुदी, मैं समझ गया तूने ही माता जी के कान भरे हैं। सेवक? तुम क्या जानो सेवा का मतलब? तुम क्या जानो भाइयों का प्रेम? माताजी, ऐसे अदना लोगों की बातों पर आपको ध्यान न देना चाहिए। ये लीजिए महारानी जी, करे कोई और भरे कोई, अब मेरा गुजारा यहाँ नहीं हो सकता। सौत सौत के झगड़े में मैं गरीब मुख में पीट जाऊंगी। जब आपका बेटा आपके बस में नहीं तो मैं मुंह किस काम की? चुप, क्या बकती हो? मूर्ति ले आओ चुपचाप। मंथरा, मैं मूर्ति नहीं दूंगा माँ। महारानी जी की जय हो, महाराज पधारे हैं। क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर ये फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? देवी, तुम्हारे सुंदर मुख पर उदासी देखते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता है। आज तो बड़े आनंद का दिन है। आनंद? आनंद तो वहां होगा। कहां? बड़ी महारानी के मंदिर में, जहां से कई-कई के दास दासी धक्के देकर निकाल दिए जाते हैं। नहीं नहीं देवी, कौशल्या देवी तो सदा तुम्हारी और भरत की भलाई चाहती हैं। हाँ, भलाई चाहती हैं, तभी तो छिप छिप के मेरे भरत की कुंडली ज्योतिष महाराज को दिखा रही थी। पगली। जो कुछ भी हो, देवी कौशल्या राम और भरत में कोई फर्क नहीं मानती। फर्क न मानती तो अपने बेटे की पूजा करवाने के लिए मेरे भरत को राम की मूर्ति क्यों देती? भरत को इतना बहका दिया कि आज उसने मेरा कहना भी नहीं माना।
ऐसा क्या भरत ने? ऐसा नहीं हुआ होगा। कौशल्या देवी भरत को कभी नहीं बहकाएंगी। वो भरत को कितना चाहती है। चाहती है तो भरत को वहीं भेजती है ना, और आप भी वहीं रहिए ना। यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाते हैं? रूठ गई। छोड़ो, मैं ठीक जानती हूँ कि वो मुझसे मेरे भरत को फोड़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा तो हम ऐसा करेंगे, भरत को कुछ दिनों के लिए उसके ननियाल भेज देंगे, उसके मामा भी उसे साथ ले जाना चाहते हैं, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ज्योतिषी के बारे में तुम जो कह रही थी, मैं उसे बुलाकर सब कुछ पूछ लूंगा। अब तो राजी हूँ। वो तो मुझे मालूम नहीं। पिताजी ने मुझे यकायक कहा कि तुम्हें केकई देश जाना होगा। शायद मामा जी ने कहा हो। शायद ऐसा ही हो, लेकिन भैया तुम्हें इतना रंज क्यों होता है इसमें? तुम मामा के घर जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। आपको छोड़ के, आपकी जुदाई। क्या कह रहे हो भरत? क्या हम तुम पहले कभी जुदा नहीं हुए? हुए हैं कई बार, लेकिन कौन जाने आज मेरा दिल आपसे जुदा होने के लिए मुझे बार बार क्यों रोकता है। भैया, भावना से कर्तव्य ऊंचा है, पिताजी की आज्ञा है। लेकिन हम कहीं भी हो भरत, हमारे दिल तो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। थोड़े ही दिनों के लिए तो जा रहे हो भैया, फिर तो मिलाप होगा ही। जरूर होगा। मैं भी यही प्रार्थना करता रहूंगा कि जल्द से जल्द मुझे मेरे राम के दर्शन मिले। शत्रुघ्न आ गया, मामा जी राह देखते होंगे। तुम भी जा रहे हो भैया? हाँ भैया। महाराज की जय हो। ज्योतिषी जी पधारे हैं। ले आओ। महाराज की जय हो। प्रणाम महाशय। ज्योतिषी जी, ये बताइए कि भरत की सालगिरह के दिन आपने बड़ी महारानी से भरत के बारे में क्या कहा? कुछ नहीं महाराज, जो कुछ कुमार जी की कुंडली में था वही। हाँ हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो तो महाराज खास कुछ नहीं, लेकिन पिता के स्थान में कुछ। पिता के स्थान में कुछ खराब है? हाँ महाराज, इस साल कुछ ऐसा योग है
चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन शांति जरूर करना चाहिए। शांति? हाँ महाराज। ये देखिए आपकी कुंडली, आपके लिए ये दिन बहुत खराब है, शांति जरूर करना चाहिए। शांति? किसी का शाप हो तो उसकी भी शांति हो सकती है। ये तो मैं शायद गुरु वशिष्ठ बता सके। सुमंत्र से कहो कि वो गुरुदेव वशिष्ठ को हमारा प्रणाम पहुंचा दे। जो आज्ञा। गुरुदेव, शाप से शांति कभी हो सकती है? शाप? हाँ गुरुदेव, बहुत दिन की बात है, जब मैं युवराज था एक दिन शिकार खेलने गया, शिकार न मिला, रात हो गई और धोखे मैंने शब्द भेद किया, क्षमा करो। जैसा जैसा मेरा भाग, लेकिन मेरे अंधे माता पिता प्यासे रह जाएंगे, उन्हें पानी पुरानी श्रवण बेटा श्रवण। लाए बेटा। तुम कौन हो? मैं युवराज दशरथ। युवराज दशरथ? युवराज दशरथ, आप पाए पाने? श्रवण बेटा श्रवण। युवराज दशरथ, तुम्हारा श्रवण तो शिकार के धोखे कुछ अभागी के बाण से मारा गया। मारा गया? मारा गया? मेरा श्रवण मारा गया? क्षमा, मुझे क्षमा, नहीं, तू जानती लकड़ी थी,
है लुटिया। हरी इच्छा बलवान है राजन, मनुष्य को आशा न छोड़ना चाहिए। आशा, आशा, लेकिन मैं जानता हूं राजन, आजकल आपकी गृह दशा अच्छी है। तो गुरुदेव, जब राजा के ही दिन अच्छे नहीं तो फिर प्रजा कैसे सुखी हो सकती है, मेरी प्रजा। आखिर आप चाहते क्या है राजन? मैं यही चाहता हूं गुरुदेव कि मेरे सर से राज का भार उतारकर मेरे राम को जल्दी सौंप दिया जाए और मैं जीते जी अपने बच्चों और अपनी प्रजा का सुख देखूं। इसलिए जल्द से जल्द राज तिलक का मुहूर्त बताइए गुरुदेव। राजन, विचार तो बहुत ठीक है आपका, लेकिन अच्छे में अच्छा मुहूर्त तो इतनी जल्दी है कि राज तिलक नहीं हो सकेगा। नहीं गुरुदेव, अब मैं ज्यादा नहीं ठहर सकता। मुहूर्त कितनी ही जल्द क्यों न हो, हम उसी मुहूर्त में राम का राज तिलक करेंगे। ऐसा शुभ मुहूर्त तो कल सवेरे ही है। कल सवेरे? तब तो बहुत ही अच्छा, हम यही मुहूर्त रखेंगे गुरुदेव। कुलभूषण गो ब्राह्मण प्रतिपाल अयोध्याधिपति श्रीमन महाराज दशरथ की आज्ञा और प्रजा की अनुमति से सबको खबर दी जाती है कि कल सवेरे पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी को राज तिलक किया जाएगा। कुछ सुना क्या? कल श्री राम का राज तिलक है। श्री राम का राज तिलक? झूठ। झूठ? मैं झूठ कहूँ? मैं राज कल का लड़का हूँ। लेकिन कल? हाँ हाँ, कल। कल श्री राम का राज तिलक और इतनी जल्दी? अरे बे, हम क्या क्या कर सकेंगे। कल 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 क्या? कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा राम 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 रे कल होंगे राजा राम, राजा राम 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 रे कल होंगे राजा राम, राजा राम आ राम क्या कर आ कल 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 होंगे राजा राम, राजा राम 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 रे कल होंगे राजा राम।
प्रभु। अयोध्या के राज सिंहासन की शोभा लाऊंगी का। हाँ देवी, जैसे कि कल की शोभा मैं आज ही देख रही हूँ। देवी, देवी तुमने भी मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया। सारी अयोध्या यही तो चाहती है आर्य पुत्र। हाँ चाहती है, लेकिन मेरा मन सीते, हम चारों भाई खेलने कूदने में साथ, खाने पीने में साथ, साथ ही हमारा यज्ञोपवीत हुआ, साथ ही हमने विद्या पढ़ी, यहाँ तक कि साथ ही साथ हमारे विवाह भी हुए, और कल कल मैं राज सिंहासन पर अकेला। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? भैया आप बड़े हैं, आप ही का राज तिलक होना चाहिए। हमारे कुल की रीत भी यही है, आपकी छत्र छाया में हम सब भाइयों का कल्याण है। लेकिन भैया लक्ष्मण, न जाने पिताजी ने यकायक ये विचार क्यों किया। मेरा भरत यहां नहीं, शत्रुघ्न यहां नहीं। वो तो सब बाद में आ ही जाएंगे और हम बड़ा उत्सव मनाएंगे, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने जो कल का मुहूर्त बताया है, ऐसा मुहूर्त बार बार नहीं आता। तुम आनंद में रहो भैया, देखो सब जगह तुम्हारी जय जयकार हो रही है, सारी अयोध्या खुशी से फूली नहीं समाती। जाना ना ना जाना ना ना बाज रही है मीठी झांझो की झनकार, आया आया राम राज के प्रभा का शुभ त्योहार, आया राम राज त्योहार, आया राम राज त्योहार, आया राम राज त्योहार। फर करता ध्वज लहराए, फर फर करता ध्वज लहराए, द्वार द्वार में तोरण सजाए, द्वार द्वार में तोरण सजाए, दीपमाल से नगर सुहाए, दीपमाल से नगर सुहाए। चंदन छिड़का है सब बरसी कुमकुम पार, ¡Gracias!
भवन में नौबत बाजे, राज भवन में नौबत बाजे। मंगल गीत बंदी जनगाते, मंगल गीत बंदी जनगाते। महाराज दशरथ मन छाया हर्षानंद पार, आया राम राज जोहार, आया राम राज जोहार। सकल सुखो की मंगल करनी, सकल सुखो की मंगल करनी, हर्ष बरी कौशल्या जननी, हर्ष बरी कौशल्या जननी। दान मानवी प्रण को देती, दान मानवी प्रण को देती, मातृ प्रेम जरता अंतर से, मातृ प्रेम जरता अंतर से, स्नेह सुधा की धार। ठीक है तरुलता, लेकिन चौक के बीचों बीच स्वस्तिक का शुभ चिन्ह जरूर बनाना, जिससे मेरे राम के राज तिलक में कोई बाधा ना आए। जो आज्ञा महारानी जी। भोली हो, ये आनंद तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी सौत के लिए है, राम के लिए है। चुप, खरफोड़ी कहीं की। क्या राम मेरा बेटा नहीं है? मेरे लिए जैसे भरत वैसे राम, खबरदार मेरे राम की रिक्खी ऐसा कहा तो। लो, ये अच्छी रही, मैं मुझे कुछ तुम्हारे भले के कहने गई तो उल्टे मेरी ही मौत आई। उस दिन कल के छोकरे भरत ने मेरा अपमान किया, तुम भी मुझे धुक्कारने लगी।
मेरा क्या है, कोई राजा हो कोई रानी हो, लेकिन जी चलता है इसलिए कहती हूँ कि तुम्हारे दिन कुछ अच्छे नहीं दिखते। लेकिन बात क्या है, कुछ कहोगी भी? क्या कहूँ, तुम्हें तो जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वही अच्छे लगते हैं, भले का जमाना ही नहीं। हे भगवान, अब तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। मंथरा मंथरा, बुरा लगा तुम्हें? साफ साफ कह दो ना क्या बात है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे माँ की तरह प्यार करते हो। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तो घर फोड़ी हूँ। नहीं मंथरा, तुम नहीं समझी मैं क्या कहना चाहती हूँ। राम मेरी सेवा भरत से भी ज्यादा करता है। वो दिन गए महारानी जी, आज कुमार राम तुम्हारी सेवा करता है, पर वही राम जब राजा बनेगा तब तुम पर हुकूमत चलाएगा। नहीं नहीं, राम जैसा गुणवान लड़का ऐसा कभी नहीं करेगा। मंथरा, तुम मुझे बहकाना चाहती हो? समय बदलने पर सब कुछ बदल जाता है मेरी लाडली। नहीं नहीं, महाराज ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। महाराज भोली, बिल्कुल भोली। तू समझती है कि महाराज तेरे इशारे पर चलते हैं? महाराज आए और कह दिया, प्रिय चंद्रमुखी मनमोहिनी, बस आ गए रानी जी लपेट में और झड़ने लगे मुंह से फूल। अरे भावली, तू इतना भी नहीं समझती कि महाराज सिर्फ तेरी खूबसूरती को चाहते हैं, तुझे नहीं। मंथरा, क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। महाराज जितने मुंह के मीठे उतने ही मन के मैले हैं। हाँ, अगर ऐसा न होता तो वो मेरे भरत को ननिहाल भेजकर कौशल्या देवी के कहने पर यकायक राम के राज तिलक का मुहूर्त क्यों निकलवाते? कौशल्या देवी के कहने पर? मंथरा। हाँ हाँ, कौशल्या देवी के कहने पर। महाराज और कौशल्या अब एक हो गए हैं। तुझे कुछ बसंत की खबर भी है? कल कौशल्या राजमाता होगी और जिस पर तूने अब तक अपना रोब जमा रखा है, कल से तुझे उसी सौत के चरणों की दासी बनकर रहना होगा। नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी? अरे पगली, तुझे पूछता ही कौन है, ये सब छल कपट की बातें हैं। देखती नहीं इतना बड़ा राज तिलक हो रहा है, पर महाराज ने तुझसे कुछ पूछा भी? सच है, लेकिन कल ही तो राज तिलक है, अब क्या हो सकता है मंथरा? घबराती क्यों हो? जिसकी नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद जरूर करता है। हमें उन लोगों की तरह छलकपट थोड़ी करना है, कोई ना कोई उपाय सूझ ही जाएगा। आओ सोचें। सोचने का यह समय नहीं है देवी, सब तैयारियां हो चुकी हैं, राम की जय जयकार हो रही है, चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा है। हाँ महाराज, लेकिन दुख तो केवल इतना ही है कि मेरा भरत यहाँ नहीं है। मुझे भी इस बात का दुख है देवी, क्या करता, कल ही का मुहूर्त रखना पड़ा। अच्छा तो होम हवन की सब तैयारी रखना है? तो सुमंत्र, सब तैयारी हो गई? हाँ महाराज, और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जो जो चीजें बताई थी वो भी सब आ गई। ठीक, सारी अयोध्या से सजकर जगमगा रही है और राजमहलों की शोभा का तो कहना ही क्या है महाराज। सुना है कि महारानी कैकेयी ने अपने महल को सब महलों से बढ़कर सजाया है। क्यों न सजाती हूँ, मेरे राम पर उनका कितना प्रेम है, आज मेरा जीवन धन्य है।
ख्याल रखना, महाराज कितना भी कहें, कुछ भी करें, तो भी अपने इरादे से न बदलना। किसी ने अपमान किया तुम्हारा? बोलती क्यों नहीं? बोलो, तुम्हारा रोटा मेरे कलेजे में तीर चुभाता है। बोलो, किसने अपमान किया तुम्हारा? कौन है वो जिसके सर पर मौत नाच रही है? देवी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट के लिए मैं राजा को दर दर भटकने वाला भिखारी बना सकता हूँ, भिखारी के सर पर ताज रख सकता हूँ। हंसो, एक बार हंसो। बस, बहुत हुआ। सरकार के ताज पहनाना चाहते हैं, जख्म करके मरहम लगाना चाहते हैं, बाघ उजाड़ दिया और फिर कहते हो कि कोयल कूके, सर कतर दिए और फिर कहते हो कि पंछी उड़े। रहने दीजिए महाराज, बातें न बनाइए। आज तुम्हें हो क्या गया है? चंद्रमा से आग क्यों बरस रही है? दशरथ के नाम पर तुम कलंक का टीका क्यों लगा रही हो? देवी, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? झूठ, बिल्कुल झूठ। आज मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि मीठी मीठी बातें करके आप मुझे हमेशा से ठगाते आए हैं। आपने आज तक कई कई को अपना खिलौना समझ रखा है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इस खिलौनों में भी एक छोटा सा दिल है। उसी दिल को मैं हमेशा दिल से चाहता आया हूँ। तुम्हें ऐसे वचन शोभा नहीं देते। तुम जो कुछ भी मांगो उसे मैं अभी इसी वक्त देने को तैयार हूँ। मांग मांग तो हमेशा ही से कहते आए हो, लेकिन कभी कुछ दिया भी है? भला ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो और मैंने न दिया हो? हाँ, याद है आपको, देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे और आपने मुझे दो वरदान दिए थे, वो अभी तक नहीं मिले। वो तो तुम जब चाहो मांग सकती हो। मिलेंगे? हाँ जरूर, न दूं तो मुझे मेरे राम की सौगंध है। प्राण देकर भी अपने वचन को पूरा करना यही रघुकुल की रीत है। अच्छा, तो वो दो वरदान मैं इसी वक्त मांगना चाहती हूँ। इसी वक्त? तब तो बड़े आनंद की बात है। मांग लो, अपनी मन चाहे चीज मांग लो। ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा। कल मेरे राम का राज तिलक है। राम का राज तिलक कल नहीं हो सकेगा महाराज। नहीं हो सकेगा? मेरे राम का राज तिलक नहीं हो सकेगा? हाँ, अगर आप अपने कौल के सच्चे हैं तो राम के बदले मेरे भरत का राज तिलक करना होगा। ये मेरी पहली मांग है। क्या कह रहे हो तुम? और भी सुन लीजिए महाराज, राम को 14 बरस वन में रहना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? देवी, देवी। और वो भी राजसी ठाट पाट छोड़कर तपस्वियों की तरह। ये मेरी दूसरी मांग है। भरत को राज और राम को बदमाश, मेरे राम को बदमाश। नहीं,
नहीं होगा, ये कहीं नहीं होगा। नाथ, नाथ, क्या हुआ? कुछ नहीं, सपना, बहुत बुरा सपना। बुरा लगा महाराज? भरत को चुपके से ननियाल भेजकर राम का राज तिलक करना अच्छा लगता था। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मैं राजमाता होने के लायक नहीं हूँ? क्या आप मुझे खरीद कर लाए हैं? क्या मुझे? नागिन, बंद कर जहर उगलना। डाइन, तू राजमाता होने के लायक नहीं, तुम्हें राम के भाग्य सूर्य पर छा जाने वाली काली घटा है, मेरे आशा वृक्ष पर गिरने वाली कड़कती बिजली है, अयोध्या पर प्रलय का तूफान लाने वाली भयंकर आंधी है। जा, चली जा मेरे सामने से। गुस्सा क्यों करते हैं महाराज? क्या इसीलिए मुझे वर मांगने के लिए कहा था? क्या यही है आपके राम की सौगंध? क्या यही है आपके रघुकुल की रीत? रघुकुल की रीत, इसमें तेरा दोष नहीं। मैं स्त्री का विश्वास करके मारा गया, जिसे फूलों की माला समझा था वो फांसी की रस्सी बन गई, अमृत पिलाने वाली देवी समझा था वो खून चूसने वाली जोंक बन गई। कई कई मैंने स्वप्न में भी न सोचा था कि तू ऐसा बन पाएगी। तो क्या आपने ये सोचा था कि मैं कुछ चबेना मांग लूंगी? रानी को सुला का है लाला ना नहुआ वो मार, लाला ना नहुआ वो
राम सदा सुखी रहे। भगवान करे मेरा सपना झूठा हो। भूल जाइए उस भयानक सपने को, स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं। कभी कभी होते हैं मांडवी। कितना प्रेम, कितनी भक्ति करते हैं आप। प्रेम ही मेरी दुनिया है देवी, जिस पर राम का राज छा गया है। चाहे तो राम को राज न दे, पर उसे वनवास क्यों दे रही है। राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। दया कर, मुझ पर दया कर देवी। रहने दीजिए महाराज, आप ही ने मांगने के लिए कहा था और मैंने मांगा। अगर आपको दुख होता है तो न दीजिए, मैं मजबूर नहीं करती। लेकिन मुझे तो इस बात का दुख है कि आपके वचन पालन की टेक और रघुकुल की रीत पर बट्टा लगता है। नहीं देवी, भरत को मैं राज जरूर दूंगा, पर राम को वन भेज, राम को मुझसे जुदा न कर, उसे मेरे पास ही रहने दे। राम को यहाँ रखकर भरत से उसकी पूजा नहीं करवानी, अयोध्या का राज करवाना है। भला राम अयोध्या में रहकर मेरे भरत को राज करने देगा। नहीं नहीं, राम को राज का लोभ नहीं है, भरत पर उसका बड़ा प्रेम है। अब भी मानो केकई प्रतापी दशरथ ने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, आज ये सर तेरे चरणों में झुककर तुझसे राम की भीख मांगता है। रानी कभी भीख नहीं मांगा करते महाराज। आप अपना वचन पूरा कीजिए, मैं भी अपना वचन पूरा करके ही रहूंगी। कर ले, सब कुछ कर ले, कुल खोती नहीं, और भी कुछ अधूरा हो तो वो भी पूरा कर ले। अब मैं तुझसे कुछ न कहूंगा। राम राम प्रजापते नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ओम सावित्रे स्वाहा सावित्रे नमः। ओम श्रद्धाये स्वाहा श्रद्धाये नमः। ओम प्रज्ञाये स्वाहा प्रज्ञाये नमः। ओम धारणाये स्वाहा धारणाये नमः। ओम सरस्वते स्वाहा सरस्वते नमः। ओम अनंते स्वाहा। आज्ञा गुरुदेव। सुमन, महाराज अभी तक नहीं पधारे, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, न जाने क्या हुआ। देखता हूं गुरुदेव। महारानी जी की जय हो। गुरुदेव महाराज को याद कर रहे हैं। राज तिलक का मुहूर्त बीता जा रहा है। किसका राज तिलक? राज तिलक नहीं होगा। नहीं होगा महारानी जी? हाँ हाँ नहीं होगा। तुम जाके राम को यहाँ भेज दो। राम राम महाराज, क्या हुआ? जो कहा वो करो पहले।
जी छोटी माँ, अभी तक मैली माँ क्यों नहीं आई? कह कहती थी आती होंगी बेटा, वो भी तो तुम्हारे लिए कुछ तैयारी करती होंगी। युवराज रामचंद्र की जय हो। महामंत्री जी, क्या बात है? महारानी कैकेयी आपको याद फरमा रही है। पिताजी कहाँ हैं? वही ठहरो माँ, मैं भी आता हूँ। का रात तिलक होना ही चाहिए और वो भी इसी मुहूर्त में। हम भी तो यही चाहते हैं कुमार जी, सारी अयोध्या में आनंद आनंद हो रहा है, चारों ओर श्री राम की जय जयकार हो रही है, लेकिन महारानी कैकेयी की आज्ञा क्या? महारानी कैकेयी की आज्ञा? एक स्त्री की मनमानी पर अयोध्या का राज नहीं चल सकता महामंत्री जी। अगर लक्ष्मण के जीते जी कुल धर्म की रक्षा न हो सकी तो धनुष बाण किस काम का? पिताजी, पिताजी, पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं मां? इनके दुख का कारण? कारण तुम हो। मैं दुख का कारण? अगर ऐसा हो माँ, तो मुझे हजार बार धिक्कार है। पिताजी, मुझसे कोई अपराध हुआ? हुआ नहीं, होने का अंदेशा है। कैसे? महाराज को डर है कि शायद तुम उनकी आज्ञा का पालन न कर सको। मेरे लिए ऐसी शंका? अच्छा होता माँ, मैं तुम्हारा पुत्र न होता, पत्थर होता। जिस माता पिता को अपने पुत्र पर अंदेशा हो, वो पत्थर नहीं तो और क्या है? पिताजी, विश्वास कीजिए, मैं प्राण देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा दीजिए पिताजी। वो तुमसे नहीं कह सकेंगे, मैं ही कहती हूँ। सुनो। आज्ञा? आज्ञा माता जी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे दो वचन दिए हैं, अब उन्हें पूरा करना तुम्हारे हाथ में है, और मुझे विश्वास है कि तुम जैसा सत्यवचनी और आज्ञाकारी पुत्र उन्हें जरूर पूरा करेगा। जरूर पूरा करूंगा। जल्दी कहिए माता जी, क्या है वो दो वचन? भरत को राज करना होगा और तुम्हें राष्ट्रीय ठाट पाट छोड़ के आज ही 14 वर्ष के लिए बन जाना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसकी मजाल है कि वो हमारे कुल की रीत को बदल सके? हमारे कुल में हमेशा बड़े बेटे को ही राज मिलता आया है और अब भी बड़े को ही मिलेगा। राम को बन भेजने वाली आप कौन होती हैं? भैया, अगर आप कहें तो इन्हें। भैया लक्ष्मण, ये तुम क्या कर रहे हो? माता जी को प्रणाम करो। तुमने अभी तक माता जी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम? इन्हें प्रणाम करूं? प्रणाम तो उन्हें करना चाहिए जिनसे आशीर्वाद की आशा हो, लेकिन ये तो आपको श्राप दे रही हैं, आपसे राज छीन कर भरत को दे रही हैं। तो क्या भरत हमारे भाई नहीं हैं?
लेकिन आप बड़े हैं, इसलिए राज आप ही को मिलना चाहिए, यही रघुकुल की रीत है। तो क्या दिए हुए वचन को पूरा करना ये रघुकुल की रीत नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये रघुकुल की रीत नहीं है? भैया लक्ष्मण, पिताजी ने माताजी को दो वचन दिए हैं कि भरत को राज करना होगा और मुझे बन जाना होगा। देखो पिताजी की तरफ देखो, मुझे बन भेजना क्या उन्हें अच्छा लग रहा है? कितना दुख सहकर भी वो अपने वचन को पूरा कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में देर कर रहे हैं। भैया, माताजी को प्रणाम करो। भैया प्रणाम करो। क्षमा कीजिए माताजी, पिताजी की आज्ञा और आपकी इच्छा में ही मेरा कल्याण है। भैया भरत राज करेगा और मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। जियो बेटा जियो, इसी तरह माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहो। पिताजी, बारी जाओ तुझ पे मेरे लाडली, बहुत अच्छा किया तूने। मंत्रा युवराज रामचंद्र की, महाराज रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, युवराज रामचंद्र के, श्री रामचंद्र की, रामचंद्र की, महाराज रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, महाराज रामचंद्र की, युवराज रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, महामंत्री जी, लोगों को समझा दीजिए, अब तुम्हारे महाराज भरत होंगे, उन्हीं की जय जयकार करो। सुनो सुनो सुनो, शांत हो जाओ भाइयों। अब श्री राम का राज तिलक नहीं होगा, अब तुम्हारे महाराज भरत होंगे। भरत की जय जयकार करो। भरत की जय जयकार? भरत हमारे राजा होंगे? श्री राम का राज तिलक नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आ सकता। श्री राम का राज तिलक होना ही चाहिए। बड़ी देर हुई बेटा। आरती भी ऐसी ही रह गई? ऐसी ही रह जाएगी माँ, सबसे कह दिया, लेकिन तुमसे किस मुंह से कहूं माँ कि तुम्हारा राम राज छोड़ के 14 वर्ष के लिए बन जा रहा है। माँ, इसमें दुख की क्या बात है माँ? मेरा बड़ा भाग्य समझो,
कि मुझे पिताजी की आज्ञा पालन का ऐसा शुभ अवसर मिला। तुम्हारे पिताजी की आज्ञा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो उनके प्राण हो और तुमसे कोई अपराध होने का भी अंदेशा नहीं। मंजली माँ को पिताजी ने दो वचन दिए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने भरत को राज और मुझे बन जाने की आज्ञा दी है। पिता की आज्ञा से बन जा रहे हो, पिता की आज्ञा से माँ का दिल दुखा रहे हो। पिता की आज्ञा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, माँ का कोई अधिकार नहीं तुम पर। अगर पिता ने आज्ञा दी है कि तुम बन जाओ, तो माँ भी तुम्हें ये आज्ञा दे सकती है कि तुम बन मत जाओ। माँ, संजीव, जिसमें पति का वचन झूठा होता है, पति की आज्ञा का अपमान होता है। मेरे भरत को राज मिले इसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन तुम्हें वनवास क्यों? भगवान, ये कैसा दाना संकट! पति की आज्ञा और बेटे की जिदाई मैं क्या करूं? चिंता न करो माँ, 14 बरस यूं ही बीत जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो माँ, कि मैं इन चरणों की सेवा फिर कर सकूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति और तुम्हारा धर्म वन में तुम्हारी रक्षा करे। देवी, तुमने भी मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया। सीते, हंस रही हो? आर्य स्त्री को यही शोभा देता है कि वो अपने पति को हंसते हंसते विदा करे। आर्य पुत्र, मुझे तो इस बात का आनंद है कि आप अपने पिता का वचन पूरा कर रहे हैं। रघुकुल के वचन पालन के रीत पर मुझे भी मोह हो गया है। जी में आता है कि मैं भी आपसे कोई वचन मांग लूं। तुम भी वचन मांगना चाहती हो? देंगे। हाँ हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? मांगो। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वन में? नहीं नहीं दीदी, जहां कदम कदम पर कांटे, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी भूख कभी प्यास, जगह जगह विकराल जानवरों का डर, ऐसे भयंकर वन में राजमहलों को छोड़कर तुम कैसे रह सकती हो देवी? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके चरणों की सेवा करते करते वन के कांटे मेरे लिए फूल बन जाएंगे। हर घड़ी आपके दर्शन करते करते सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब मैं भूल जाऊंगी। आपकी छाया में
मन के जानवरों का मुझे क्या डर, लेकिन आपके बिना यह राजमहल मेरे लिए भयंकर बन हो जाएगा। देव मुझे यहाँ न छोड़िए, अब मैं साथ ले चलिए। ये कैसे हो सकता है देवी? ऐसा न कहिए, आपने मुझे वचन दिया है, पूरा कीजिए रघुवीर, आपके बिना मेरे प्राण। अच्छा चलो देवी, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं भैया। लक्ष्मण, ये क्या भैया? तापस का वेश, वलकल बन में जाना है ना? अरे पर तुम्हें किसने कहा बन जाने को? मेरे बंधु प्रेम ने, जहां राम वहां लक्ष्मण। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा ना करो। तो फिर मैं करूं क्या? आपका राज तिलक कराना चाहता था, वो भी आपको अच्छा ना लगा। आपके साथ बन चलना चाहता हूं, ये भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो क्या आपको अकेले बन में भेज के अयोध्या में आनंद मनाऊं? आपकी सेवा छोड़ के मैं? अच्छा अच्छा भैया, तुम भी चलो। चलो माता जी की आज्ञा ले लें। मेरे इस फूल को संभालना, इसने कभी महल के बाहर कदम नहीं रखा, पर मैं कैसे रहेगी मेरी लाडली? राम माँ, बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई राम सीता के बराबर हैं। सीता को तुम मां समझो, वन में इनकी सेवा करना यही तुम्हारा धर्म है। धर्म? मुझे धर्म सिखाती हो? क्या राजा का ही सब धर्म है? प्रजा का कोई धर्म नहीं? अगर राजा का धर्म है कि वो प्रजा का पालन करे, तो क्या प्रजा का ये धर्म नहीं कि वो राजा की आज्ञा का पालन करे? नहीं नहीं, ऐसी आज्ञा का पालन करना ये प्रजा का धर्म नहीं है। श्री राम का क्या अपराध है? उन्हें बन क्यों भेजे हैं? महारानी जी, रोते हुए अयोध्या के हृदय की पुकार क्या आप नहीं सुनेंगी? हमारे महाराज ऐसे अन्यायी नहीं है, वो हमारे हृदय की पुकार जरूर सुनेंगे। हमें उनके दर्शन क्यों नहीं कराते? ऐसी आज्ञा का क्या कारण है? खामोश। कारण से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा काम राजा की आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा का कारण जानना नहीं। नहीं, ये अन्याय है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो रहा है। नहीं होगा। राम, राम, कभी नहीं होगा। राम, राम, श्री राम तापस के वेश में बन जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम उन्हें बन नहीं जाने देंगे। सुनो 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 भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपना कर्तव्य करने दो। मेरे प्रेम में आकर अपने महाराज की आज्ञा का अपमान न करो। हमेशा याद रखो कि भावना से कर्तव्य ऊंचा है। मैं जानता हूं कि महाराज पर तुम्हारा बहुत प्रेम है, तो फिर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे महाराज का वचन सत्य न हो, तुम्हारे महाराज की आज्ञा का पालन न हो? ये तो हम नहीं चाहते रघुवीर, लेकिन हम आपकी जुदाई भी तो नहीं सह सकते। आप हमारे हृदय सिंहासन पर राज करते हैं, हम तो आप ही को राजा बनाएंगे।
लेकिन वो राजा किस काम का जो पिता का वचन झूठा करके माता का दिल दुखा के भाई से राज छीन ले। ऐसा राजा प्रजा का क्या कल्याण कर सकेगा? ये तो सोचो भाइयों, शांत हो जाओ, मुझे जाने दो, रघुकुल की रीत निभाने दो। रघुकुल रीत सदा चले आए, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए वरु बचन न जाए, प्राण जाए वरु बचन न जाए। सीता, तुम भी जा रही हो? और लक्ष्मण, तुम भी? माता जी, मैं जा रहा हूं। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे भरत का मिलाप नहीं हुआ। आप उसे मेरा आशीर्वाद दीजिए और कहिए कि मेरा राम काफी खुशी बन गया है। किसी बात का दुख न करना और अच्छी तरह राज करना। आज्ञा। भरत को जल्द से जल्द यहां बुलाने का बंदोबस्त करो। जी। अब देखो, यहां की किसी बात का उसे पता न लगना चाहिए। जो आज्ञा। अरे दैया, आप भी जा रहे हैं? लीजिए ये वलकल, आपको पसंद था ना? उस दिन बड़ी महारानी ने वापस कर दिया था, आज आपके काम आ गया, लीजिए। दूर हट कमीनी जात, ये सब आज तेरी लगाई हुई है और अब चले पर नमक छिड़कने आई है, ठहर। भैया, मुझे भी तो वलकल चाहिए। प्रकाश, रघुकुल का दीपक। पिताजी। बेटा, तुम बन जा रहे हो मेरे कारण। शोक न कीजिए पिताजी, कभी कभी आप जैसे महापुरुषों के दुख में से ही लोक कल्याण का मार्ग निकल आता है। सच है राजन, श्री राम मनुष्य के रूप में देव हैं। तुम भी जा रहे हो?
पिता, बेटे, तुम वीर राम, राजन मुझे छोड़ के जा रहे हैं राम राम चले राम चले बन चले राम रघुवी बन चले राम रघुवी बन चले राम रघुवी क्या चलता है सबको ये चक्र कुचलता है श्री राम का रथ क्या चलता है सबको ये
न जाने मेरा जी क्यों घबरा रहा है। कहीं मेरा सपना तो सच्चा नहीं हो रहा। मुझे पिताजी की याद आ रही है। मेरा दिल राम की तरफ खींचा जा रहा है। आर्य पुत्र, आर्य पुत्र। मानवी, मैं जल्दी अयोध्या चला जाऊंगा और मेरे राम से मिलूंगा। या लक्ष्मण, दुख इतना ही है कि मेरे भारत से मिलाप नहीं हुआ। हाँ, अयोध्या कर देखता हूं। विषादराज, श्री राम आ रहे हैं। श्री राम? हाँ हाँ, श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया। मैंने उनका रथ अपनी आंखों से देखा। धन्य भाग हमारे। रानी, रानी, सुना तुमने? क्या है? श्री राम सुंदरपुर आ रहे हैं। श्री राम? हाँ हाँ, श्री राम। चलो सुबह उनके स्वागत की तैयारी करें। श्री राम आ रहे। दशरथ की जाए कौन लखनवीर कौन सीता माई रानी रघुवीर की वे और लखन भाई। चलो चलो चंद्र की, श्री रामचंद्र की जय। जय।
प्रभु, आज सिंहवेरपुर की भूमि इन चरणों से पवित्र हो गई। आपने सोचा होगा कि भेष बदल कर शिकार खेलने जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन सूरज का तेज कभी छिपा रहता है। अहल्या का उद्धार करने वाले इन चरणों को भक्तजन कभी भूल सकते हैं? ये चरण तो मेरा तीर्थ है भगवान। ये क्या कर रहे हो निषाद राज? जीवन सफल कर रहा हूं, गरीब का भोला भाला भाव है। चलिए गरीब की झोपड़ी को पावन कीजिए। निषाद राज, तुम्हारा प्रेम भाव देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, लेकिन दुख भी होता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तापस के वेश में बन में रहूं। बन में 14 वर्ष? 14 वर्ष? 14 वर्ष? 14 वर्ष? 14 वर्ष? अरे भैया, ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों को वन में भेजते हैं? ऐसा न कहो बहन, वो ऐसे माँ बाप हैं जो अपने प्यारे बच्चों से वचन की रक्षा को ज्यादा समझते हैं। ऐसे माँ बाप कहीं मिलेंगे भला? चिंता न करो, वनवास के बाद हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। निषाद राज, राम बस्ती में नहीं आएंगे। तुम हमें सवेरे गंगा पार उतार दो, मानो हमने तुमसे सब कुछ पा लिया। प्रभु जी गंगा।
मैया के खेवैया, हम मैया के खेवैया, तुम भव सागर पार करैया, तुम भव सागर पार करैया, मिल जोल का ऐसा नाता, मिल जोल का ऐसा नाता, मैं ना कभी होना था तो हो गया। मुझे तुमसे भी ज्यादा दुख है, लेकिन अपने पास की बात थोड़ी थी, के उनके प्राण लेके ही रहा। बड़े अच्छे थे हमारे महाराज, अब रोने धोने से क्या होगा, भरत आ जाएगा, उसके राजतिलक के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। चलो भोग रहे हैं। और मेरे राम, राम वो तो बड़े भाग्यवान हैं, बड़े गुणवान, बड़े आज्ञाकारी, लेकिन वो है कैसे? वो तो जहां भी हो सदा सुखी ही रहेंगे।
बार बार क्यों पूछते हैं कुमार जी? अयोध्या में सब अच्छे हैं और कैकेयी माता का तो कुछ पूछिए ही मत। भैया लक्ष्मण, रात होने आई, अब आराम करेंगे। अब आराम करेंगे कुमार जी, रात हो गई है। कुमार जी की जय हो। ये कलिंग नगर है। आराम नहीं, अब हमें जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचना है। सारथी, क्या हुआ माताजी? कुछ नहीं। आप सो जाइए माताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी,
महामंत्री जी, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो आ गए बेटा। ठहरा बेटा। बड़ी उम्र हो मेरे लाल की, सदा सुख चैन से रहो। सब अला बला टलो मेरे लाल की। चलो बेटा, माता जी तुम्हारे स्वागत के लिए राह देख रही हैं। चलो। बेटा आओ, जुग जुग जियो मेरे लाडले, तुम बड़े भाग्यवान हो। आओ बैठो, कहो ननियाल में सब कुशल है ना? भैया युधाजी, माताजी, पिताजी। पिताजी कहाँ है माँ? पिताजी कहाँ है माँ? पिताजी कहाँ है माँ? पिताजी कहाँ है माँ? क्या कहूं बेटा, तेरे कल्याण के लिए मैंने सब तैयारी कर रखी है, लेकिन एक ही दुख की बात हो गई, महाराज का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास? पिताजी का स्वर्गवास? इतना मैं अभागा कि उनके अंतिम दर्शन भी मुझे न मिले। ऐसा न कहो बेटा, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारा राजतिलक होने वाला है। राजतिलक? मेरा राजतिलक? और भैया राम? राम लक्ष्मण और सीता को लेकर वन में चले गए। वन में? क्यों? तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने महाराज से दो वर मांगे थे, एक भरत को राज और दूसरा राम को वनवास। ये तूने क्या किया? राम को बनवास और मुझे राज, ऐसे वचन मांगे तूने? ऐसा मांगते हुए कलेजा पड़ गया तेरा, जीवन गल गई तेरी? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जोश में ना, एक माँ अपने बेटे के कल्याण के सिवा और क्या मांग सकती थी? अब तक तूने माँ के हृदय को नहीं पहचाना बेटा। पहचाना? आज मैंने अच्छी तरह माँ के हृदय को पहचाना। आज तक मैं समझता था कि मां के हृदय में अमृत होता है, पर आज मुझे यह भी मालूम हुआ कि मां के हृदय में जहर भी होता है। यह जहर तूने मुझे पैदा होते ही क्यों ना पिला दिया? मां, अच्छा कल्याण किया तूने मेरा, पिता के प्राण लिए, राम जैसे भाई को बन भेज दिया, लेकिन यह ना सोचा कि राम को बन भेजते हुए कौशल्या माता के हृदय में कैसी पीड़ा हुई होगी। मां, तूने मां होते हुए भी मां के हृदय को नहीं पहचाना। समझ गई, तुझे तेरी कौशल्या माता के लिए दुख होता है, उसी को तूने मां समझ रखा है, मुझे नहीं। उसी के बहकाने से तू राम की पूजा करता है, लेकिन ऐसी कोरी पूजा से संसार का व्यवहार नहीं चलेगा बेटा। कुछ अपने लिए भी सोच और मेरे किए कराए पर पानी न फेर। पानी तो तूने पहले ही फेर दिया है, अब बाकी ही क्या है? तूने तालाब से पानी उलीचा ताकि मछली जिंदा रहे, पौधे को जड़ से उखाड़ा ताकि फूल ताजा रहे। मां, तूने भरत का कलेजा चीरकर राम की मूर्ति निकालने की कोशिश की है, तूने अपने बेटे के कलेजे पर वार किया है। बहुत बड़ा वार किया है मां। राम राम राम, जिस राम की तू रट लगा रहा है वही राम माता के आगे से वन में चला गया, और तू माता के आगे से राज भी नहीं लेता? भरत, ये न भूल के मैं तेरी माता हूं। माता? यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि तू मेरी माता है, नहीं तो
लेकिन तेरा इस जहर में आगे कभी न फैलने दूंगा। संसार व्यवहार में कुछ भी नहीं जानता। मेरे लिए तो सब कुछ मेरे राम ही है। मेरे राम के चरणों की सेवा के आगे मुझे अयोध्या का राज तो क्या, त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। अयोध्या के राजा राम हैं और राम ही होंगे। नहीं, भरत ही राजा होंगे, उन्हीं के जय जयकार करो। बोलो महाराज भरत की, बोलो महाराज भरत की, बोलो बोलो। राम के राज तिलक के वक्त तो मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, और अब के जीभ गल गई है तुम्हारी, कीड़े पड़ गए हैं मुंह में। बोलो महाराज रामचंद्र की जय। बोलो महाराज रामचंद्र की जय। कुमार भरत कहाँ है? हम उनके दर्शन करने आए हैं। भाइयों, कौन सा मुंह लेकर मैं आपके सामने आऊं? आज मुझसे दुखी कौन है? सर से पिताजी का साहेब जाता रहा, राम लक्ष्मण जैसे भाई बन चले गए। सुख का सूर्य अस्त हो गया, अब अयोध्या में अंधेरा ही अंधेरा। हम अपने दुख को कब तक रोते रहेंगे कुमार जी? आप हमारे राजा होंगे, अयोध्या में उजाला ही उजाला फैल जाएगा। ऐसा न कहो भाइयों, हमारे राजा तो वन में बैठे हैं। न मालूम आपने अपने राजा को वन में क्यों जाने दिया? क्या आप लोग रघुकुल की रीत नहीं जानते? क्या श्री राम का राज आप नहीं चाहते? चाहते क्यों नहीं कुमार जी, लेकिन क्या करते, महाराज की आज्ञा। आज्ञा? ऐसी आज्ञा किसी की भी क्यों ना हो, प्रजा को न माननी चाहिए। क्या सब हक राजा का ही होता है? प्रजा का कोई हक नहीं? राज प्रजा का है और राजा प्रजा का सेवक है। अपने भले बुरे का फैसला करने का अख्तियार है प्रजा को। हमारी भलाई तो इसी में है भाइयों, कि हमारे राजा श्री राम ही हों। मैं जल्दी बन चला जाऊंगा और उन्हें वापस ले आऊंगा। अगर वो न आए तो मैं अयोध्या में कदम भी नहीं रखूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। कुमार भरत की जय। रामचंद्र की जय। कुमार भरत की जय। रामचंद्र की जय। भरत मन न जाओ बेटा, मेरी भूल हुई, मुझे क्षमा करो, अपनी माँ पे दया करो। भरत भरत मन न जाओ। भरत 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 बन न जाओ मेरे लाल। जाने दो, अपने से कर लेने दो उस नादान छोकरे को। जाने दो जिसे राज दिलाने के लिए मैंने ये सब किया, उसे अब बन जाने दो। हाँ हाँ जाने दो, मुझे पूरा विश्वास है कि राम वापस नहीं आएगा। राम वापस नहीं आएगा? फिर मेरा भरत भी नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरा भरत? भरत नहीं आएगा तो क्या हुआ, तुम भी तो राज कर सकती हो। मंथरा अब भी मुझे बहकाना चाहती है? तुमने ही मेरे हरे भरे संसार में आग लगा दी। तेरे ही कारण मेरे सौभाग्य का सिंदूर मिट गए। तेरे ही कारण राम जैसे पुत्र को बन भेजकर मैंने अपने माथे पर कलंक का टीका लगा लिया। अब भरत को भी जाने दो। हाँ हाँ मैंने ही सब किया, ये अच्छे रही, तुम्हारे भले के लिए इतने मेहनत की और ऊपर से ये इनाम, भले को जाना ही नहीं। चली जा यहां से, चली जा। माधवी, तरुणता, प्रियंवदा, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। महारानी जी अब चलो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मैं ही चली जाती हूँ। ये
भरत को समझाओ, उसे बन मत जाने दो। राम को तो मैंने बन भेजा, लेकिन अब भरत भी जा रहा है। मेरी दोनों आंखें फूट गई, मैंने अपनी करनी का फल पा लिया। क्षमा करो बहन। शांत हो बहन, माँ का हृदय मैं जानती हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ बहन। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों बराबर हैं। मैंने भरत को बहुत समझाया पर वो न माना और कहने लगा कि मैं तो अपने राम से मिलूंगा। राम, मेरा राम, मुझे मेरे राम के पास ले चलो दीदी, मैं उससे क्षमा मांगूंगी, उसके पांव पड़ूंगी। कहाँ होगा मेरा राम? राम, राम, नाथ, कहाँ होगा मेरा राम? मुझे बता दो, बता दो, राम गए किशोर, बता दो राम गए किशोर, बता दो राम गए किशोर, बता दो राम गए। Oh.
अपने हथियार संभाल कर तैयार हो जाओ। अच्छा नहीं कर रहे निषाद राज, मेरे राम से राज तो छीन लिया, अब क्या उन्हें वन में भी चैन से नहीं बैठने दोगे? इधर देखो, मेरे सब लोग तैयार हैं, फिर छुटने की देर है। तुम्हारे सेना भले ही ज्यादा हो, लेकिन हम तो अपने राम के लिए प्राण देने को भी तैयार हैं। धन्य हो निषाद राज। मैंने तो राम के लिए सिर्फ राज ही छोड़ा, लेकिन तुम तो राम के लिए प्राण छोड़ने को तैयार हो। धन्य है तुम्हारी राम भक्ति। तो क्या मेरे राम को? वापस आने जा रहा हूं, तब तो धिक्कार है मुझ पापी को। मैंने आप जैसे महात्मा पर शक किया, क्षमा कीजिए। तुमने बड़ी भूल की निषाद राज, अगर अपने राम के लिए तुम इन तीरों से मेरा कलेजा बीन देते तो मुझे बड़ा आनंद होता, फिर भला मुझ पर कोई क्यों शक करता? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए कुमार जी, श्री राम तो आप ही का गुण गा रहे थे, कहते थे भैया भरत से मिलाप नहीं हुआ। निषाद राज, तुम बड़े भगवान हो, तुम्हें मेरे राम की सेवा करने का तो अवसर मिला, ऐसे हमारे भाग कहां कुमार जी। श्री राम ने तो उस शीशम के पेड़ के नीचे घास फूस के बिछौने पे रात बिताई, सीता माता ने ईट और पत्थरों का तकिया बनाया, लक्ष्मण जी सारी रात पहरा देते रहे, सवेरे हमें रोते कलपते छोड़ के गंगा पार हो गए। इतना कठोर व्रत, ऐसा कष्ट, मेरे राम, भैया कुमार शोक न करो, धीरज रखो। चलिए कुमार जी,
आप छावनी में चलकर आराम कीजिए। नहीं महामंत्री जी, अब मैं यहाँ पल भर भी नहीं ठहर सकता। अब मेरी आंखें राम के दर्शन के लिए तरफ रही है, मुझे भी कोई वलकल दे दो। मुझे राम से मिला दो कोई। मुझे राम से मिला दो कोई। कहाँ है मेरे राम, कोई तो बता दो। कहाँ है भैया लक्ष्मण, कहाँ है सीता माता। सविता नारायण, आप प्राणी मात्र के आधार हैं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं वनवास के दुख सह सकूं और सदा अपने पति की सेवा करूं। जान पर थी पैरनिया से गगरो नहीं उठावत बनत हुई को तो का करे को ते अपन काम कर। कसे दिखात नहीं है, आंखें फूट गई हैं। क्षमा करो बहन, क्षमा मामा नहीं जानती हूँ। मैं तो से डाल भरा नहीं हूँ, रानी हुई है तो अपने घर के। अभी देख लिया जीप सीले, ये तो सचमुच रानी है। अयोध्या के महाराज राम की रानी सीता है, तुहका इनके पाए लागत जाए। चल चल, मुही बनावे आई है राम के रानी सीता। यहाँ सीता कोट में पानी भरे आई काहेरी गगरा दही है कि नहीं। देखा, आप मानती नहीं। अब जाइए, मैं ले आऊंगा पानी। ठहरो महाराज, हम पहुंचाए थे पानी। नहीं, हम किसी से सेवा नहीं कराना चाहते। ओ बतसिया, अरे वो छनिया की माँ, भागो भागो। अरे होए कहाँ गया, आफत आ गई। अरे दारे जान पड़ता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। सावधान भैया सावधान, वो आ पहुंचा। कौन? वही। आप दोनों मुझे हमेशा रोकते आए हैं, लेकिन अब तो नहीं रोकेंगे। लेकिन बात क्या है भैया? खुद देख लीजिए ना, भरत आ रहा है, फौज फाटे के साथ। भरत?
अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, दांत छीन लिया तो भी अच्छा हुआ, भरत बनवास दिया तो भी अच्छा हुआ, और अब प्राण लेने आ रहा है तो भी अच्छा हुआ। आप तो देव हैं देव। मेरा भरत, नहीं नहीं भरत भैया ऐसे नहीं हैं, तुमने उन्हें नहीं पहचाना। पहचान लिया माताजी, वो कौशल्या का पुत्र नहीं, सुमित्रा का पुत्र नहीं, बल्कि कैकेयी का पुत्र है। वो देखिए वो नजदीक आ गया, अब तो मैं हूं और मेरा धनुष बाण। भैया भैया, भैया भैया, मेरा भरत, मेरे राम, यहाँ कैसे आए भैया, और इस वेश में? भैया आपके चरण छोड़ के मैं और कहाँ जाऊं, पिताजी ने मुझे नहीं पहचाना, माता कैकेयी ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे राम ने भी मुझे नहीं पहचाना। पहचाना भैया, तो फिर मुझे छोड़कर वन में क्यों आए? भरत तुम बहुत थके हुए हो, चलो कुटी में। हाँ कहो, अयोध्या में सब कुशल तो है? माताएं, पिताजी। पिताजी वो तो हमें छोड़ गए। ओ आज अयोध्या पर पिताजी का छत्र नहीं, और तुम भी उसे सुनी छोड़कर चले आए। भरत ये अच्छा नहीं हुआ, जाओ भैया वापस चले जाओ। जब तक राम अयोध्या में नहीं है तब तक वो सुनी ही रहेगी। पिताजी के जीते जी भी वो राम के बिना सुनी ही थी, और आज भरत चला जाएगा तो भी वो राम के बिना सुनी ही रहेगी। भैया भरत अकेले अयोध्या वापस जाने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको साथ ले जाने के लिए आया है। भरत, माता पिता की आज्ञा से मैंने ये वलकल पहना है, क्या तुम ये चाहते हो कि पिताजी के स्वर्गवासी होने पर मैं उनकी आज्ञा का पालन न करूं, वलकल फेंक दूं और तुम्हारे साथ अयोध्या वापस चलूं? क्या इससे पिताजी की आत्मा को संतोष होगा? लेकिन भैया मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आपके बिना अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। बचपन से आपने मेरा दुलार किया है, खेल में भी मुझे हमेशा जिताते रहे, आज मेरी माता ने मुझे हार दिलाई है, क्या आप मुझे नहीं जिताएंगे? भैया राज तिलक की सब सामग्री मैं ले आया हूँ, आप अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं आपके बदले 14 वर्ष वन में रहूंगा। भरत भावना में न बह जाओ, हमेशा याद रखो भावना से कर्तव्य ऊंचा है, कर्तव्य में कभी अदला बदली नहीं हुआ करती। प्राण देकर भी पिताजी ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, हमें भी अपने अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। भरत राम ठीक कह रहे हैं,
तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता, लेकिन इसमें तुम अपने कर्तव्य को क्यों भूल रहे हो? चलो अयोध्या को संभालो। अयोध्या नहीं जा सकता। आप मुझे निराश न करें, मुझे गुरुदेव मुनिवरो कोई तो समझाओ मेरे राम को, कोई तो समझाओ। आप तो समझाइए, आप नहीं समझाएंगे, समझाइए समझाइए। माता जी मुझे मेरे राम से जुदा न होने दीजिए। भैया भैया लक्ष्मण, तुम मेरे दिल की बात जानते हो, तुम तो समझाओ भैया को, समझाओ। लक्ष्मण तुम भी नहीं समझाओगे मेरे राम को, सबको विश्रांति दो, मुझे नहीं दोगे। नहीं मानता, अपनी गोद में लेकर पावन कर लो। भरत, भावना से कर्तव्य ऊंचा, भावना से कर्तव्य ऊंचा है, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। भैया भावना से कर्तव्य ऊंचा है, इन चरणों की सेवा में ही मेरा कल्याण है, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जाऊंगा लेकिन अयोध्या का राजा बनके नहीं, बल्कि अयोध्या के राजा राम का प्रतिनिधि बनके। धन्य हो भरत, मैंने पिताजी की आज्ञा से राज छोड़ा, लेकिन तूने तो मिले हुए राज को केवल मेरे लिए छोड़ दिया। तेरा त्याग महान है भरत, तू सचमुच महात्मा है। नहीं नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं,
भैया बड़ी बड़ी आशाएं लेकर मैं आया था, आप नहीं आते तो अपनी चरण पादुका तो मुझे दीजिए। धन्य हो बंधु भरत, धन्य हो राजर्षि भरत, धन्य हो महात्मा भरत। भरत भरत शील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विवस रघु राजु प्रभु परिकृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। इन्हें मैं अपना मुकुट बनाऊंगा और नंदीग्राम में बैठा हुआ आपकी राह देखता रहूंगा। अगर 14 बरस के बाद आपका मिलाप न हुआ। जरूर होगा भरत, मिलाप जरूर होगा, सोच न करना प्रिया, और माता कैकेयी का दिल न दुखाना। पावर दीनी प्रभु नहीं आए, नैनों के अभिराम। पावर दीनी प्रभु नहीं आए, नैनों के अभिराम। धन्य बनूं जब दर्शन देंगे राम सकल गुणधाम। धन्य बनूं जब दर्शन देंगे राम सकल गुणधाम। यही पावरी तब तक है मम अंतर का राम, यही पावरी तब तक है मम अंतर का राम, आराम अंतर का राम। तुम्हारे राम अभी है आते, राम अभी है आते, दर्शन करके प्रभु के क्यों नहीं मन की पीड़ा मिटाते। आए आए राम हमारे, आए श्री रघुनाथ, आये श्री रघुनाथ। पाक
पाकर भरत प्रभु चरणन को, पाकर भरत प्रभु चरणन को, हो गए आजनाथ दो शरीर एक प्राण हुए हैं, मितार दय संता, मितार दय संता, हुआ आज श्री रामचंद्र से सच्चा भरत मिला। Thank you.